प्राणायाम से जो संकल्प की अभिवृद्धि होती है वह मनुष्य की स्थूल ही नहीं सूक्ष्म काय कलेवर को भी समर्थ बनाती है, उसे संघर्षों से जूझने योग्य सामर्थ्य देती है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम प्राणायाम से आधि व्याधि निवारण। पुस्तक परिचय। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, अतः मन की अवांछनीयताओं पर नियंत्रण स्थापित करके योग साधना को सफल बनाया जा सकता है। प्राणायाम एक ऐसी साधना है जो सीधे मन को प्रभावित करती है। श्वास की गति में परिवर्तन द्वारा मन स्थिति को बदला जा सकता है। प्राणायाम का प्रभाव स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक परिष्कार और श्रेष्ठ विचारों का उदय होता है। योग शारीरिक एवं मानसिक उपचार पद्धति है। प्रस्तुत पुस्तक संपूर्ण वैज्ञानिक तरीकों से रोगों के कारण की व्याख्या करती है और प्राणायाम द्वारा रोगों का संपूर्ण निदान देती है। पुस्तक के सद्वाक्य। प्राणायाम के दो खंड हैं, एक प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का मोटा अर्थ है जीवन तत्व और आयाम का अर्थ है जीवन विस्तार। प्राण तत्व को समझने, उस पर नियंत्रण प्राप्त करने से प्रकृति के समस्त रहस्यों को जाना, अनुभव किया जा सकता है। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास क्रिया को क्रमबद्ध, तालबद्ध, लयबद्ध बनाया जाता है। परिस्थिति के साथ चिंतन का तालमेल न बैठने के कारण असंख्य जन मानसिक रोगों का शिकार होते हैं। मनोविकारों के उपचार के लिए प्राणायाम से श्रेष्ठ कोई चिकित्सा नहीं। मस्तिष्क के शक्तियों का जागरण प्राणायाम से होता है और इसी से मनोविकारों का निवारण होता है। पुस्तक के मुख्य बिंदु। प्राण शक्ति से संकल्प बल का अभिवर्धन, प्रसुप्त का जागरण। प्राणायाम मनोबल वर्धक एक श्रेष्ठ उपचार पद्धति। प्राणायाम चिकित्सा से मनोविकारों का उपचार। प्राणयोग साधना के आध्यात्मिक प्रयोग।